विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जहां पिछली सरकार में ऑनलाइन प्रक्रिया को बंद कर ऑफलाइन किया गया था। खनिज का भौतिक सत्यापन करके ही ई ट्रांजिट पास जारी किया जाता था, जिसके कारण परिवहन में देरी होती थी, इसे करप्शन होने लगा था। अब हमारी सरकार ने पारदर्शिता और करप्शन मुक्त सुशासन को ध्यान में रखते हुए कानून निरस्त किया है। पिछली सरकार में हुए कई भ्रष्टाचार हुआ, कई आईएएस अधिकारी माइनिंग अधिकारी जेल में है। तो पिछली सरकार में ऑनलाइन प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था, ये सीएम साय ने बयान दिया है कि ऑनलाइन प्रक्रिया को बंद कर जो ऑफलाइन किया गया उसके चलते करप्शन हो रहा था। खनिज का भौतिक सत्यापन करके ही ई ट्रांजिट पास जारी होता था, जिसकी वजह से परिवहन में देरी होती थी और इसकी वजह से करप्शन होने लगा था। पिछली सरकार में खनिज विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ था संचालक के द्वारा 15 जुलाई 2020 को, और इस आदेश के द्वारा ये व्यवस्था दी गई थी कि जिले के खनिज अमले द्वारा ई परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही ई ट्रांजिट पास जारी किया जा सकेगा। इसके पहले जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी उसको बंद करके ऑफलाइन किया गया था, जिसके कारण परिवहन में भी लेट होता था और भ्रष्टाचार का भी उसमें समावेश हो गया था। लेकिन आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी सरकार पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त एवं सुशासन को ध्यान में रखते हुए उक्त 15 जुलाई 2020 के कानून को निरस्त किया है और पूर्ववर्त ऑनलाइन टीपी जारी होगा। आपने कहा कि छवि बिल्कुल खराब हुई थी, एक बदनामी हुई कि अलग से कोयला परिवहन में भ्रष्टाचार हो रहा है और ईडी उस पर जांच भी कर रही है, और कई लोग संचालक जो हैं उसके साथ माइनिंग ऑफिसर और आईएएस वगैरह भी मतलब आज जेल के। तो मुख्यमंत्री ने तत्कालीन कांग्रेस की सरकार पर वार किया और कहा कि कई बड़े अधिकारी जेल में हैं, पिछली सरकार में करप्शन जमकर किया गया है, माइनिंग अधिकारी जेल में हैं और आईएएस अधिकारी जेल में हैं। तो जो ऑनलाइन प्रक्रिया को निरस्त करके ऑफलाइन प्रक्रिया की गई थी उसके चलते ही करप्शन होने लगा था। तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल पर भी वार, बिना उनका नाम लिए। तो ये बड़ा हमला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से किया गया और कहा कि अब साय सरकार पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन को ध्यान में रखते हुए ही ये कानून निरस्त किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वहीं प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर रायपुर पहुंचे, दो दिन के दौरे पर आए। ओम माथुर ने कहा कि कल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी, इससे पहले लोकसभा पर्यवेक्षकों की बैठक होगी। लोकसभा की दृष्टि से हर छोटी चीज का ध्यान रखा जा रहा है, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पेश होगी। लोकसभा की दृष्टि से हर छोटी चीज का ध्यान रखते हुए हमारे पर्यवेक्षक गए हैं, वो सारा रिपोर्टिंग लेकर आएंगे, उनको हम सुनेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा के उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया है, ये उनका घोषणा करे वो काम बना करे। महाकौशल में लगा है कांग्रेस को बड़ा झटका, जबलपुर मेयर बीजेपी में शामिल हुए हैं। मेयर जगत बहादुर अन्नु बीजेपी में शामिल, डिंडोरी जिला पंचायत के अध्यक्ष ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के कई पार्षदों ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या पदाधिकारी और क्या बिना पद के नेता
कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। भाजपा का पटका इन्हें बनाया गया है। देखिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीएम डॉक्टर यादव यहां आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय। तो महाकौशल के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, यहां तक कि जबलपुर मेयर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा जब से हुई है, परमात्मा ने हमारा राम राज्य लाने की दिशा में ये परिवार बड़ा करने का ये जो अभियान चलाया है, व्यक्तिगत परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़कर जो पार्टी को खड़ा करता है, ये उसके दिन ऐसे ही आते हैं जो कांग्रेस के हो रहे हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनने अपने बलबूते पर जब समय समय पर बड़ी बड़ी परीक्षा देकर के, और आज तो समय बदल गया है क्योंकि अब भाजपा का जीतना केवल भाजपा के लिए जरूरी नहीं, भाजपा का जीतना देश के लिए जरूरी, इसलिए आपने ये बड़ा कदम उठाया, देश के लिए कदम उठाया। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और जो हमने 2023 के चुनाव से पहले कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, तो अब तक तो कांग्रेस के मन में भी मोदी देश के अंदर छा गए हैं। इस बार तो 29 की 29 सीटें जीत करके मोदी जी की झोली में डालना है और देश के अंदर सर्वाधिक वोट परसेंट मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक का। मैं उस दिन बहुत आहत हुआ जिस दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। मैं अयोध्या के समीप रहने वाला, हमारा परिवार, हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं, और उस दिन से मुझे लगता था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विकास और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो देश में बड़ी योजनाएं और उनकी गारंटी आ रही है, उसको लेकर मैं काफी दिनों से विचार कर रहा था और अत्यंत प्रभावित हुआ